From Vera City jackets to oversized t-shirts, आज सब है अपने पास। आज इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो 2000 भाई डेली के ऑर्डर में इनको मजबूर कर देती है। क्या ये ज्यादा सस्ते हैं? क्या इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है? Let's see. 1.5 करोड़ की आस्क, 4.5 इक्विटी। भाई ये लोग डेली के 2000 से ज्यादा ऑर्डर्स शिप करते हैं। इतनी तो लियोकॉर की सेल मंथली भी नहीं है यार। बाय द वे, अगर तुम्हें ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स चाहिए पर्टिकुलरली फॉर मेन, तो ये लियोकॉर मेरा ब्रांड है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो और मेरी भी सेल्स बढ़ाओ यार। 2000 डेली के मुझे भी चाहिए। अच्छा ये ब्रांड अभी रिसेंटली आया है शार्क टैंक में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्निच, which is here in my hands. आज इसको unbox करेंगे और देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है जो 2000 भाई डेली के ऑर्डर में इनको मजबूर कर देती है। क्या ये ज्यादा सस्ते हैं? क्या इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है? Let's see. भाई बिल्कुल इजिप्शियन मम्मी की तरह पैक हो गया है, इतना सारा थैला था इसके अंदर, सो दैट प्रोटेक्शन बनी रहे। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, डोंट माइंड माई वॉइस। दो दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी आवाज ही निकल रही थी, अब थोड़ी थोड़ी निकल रही है, तो भाई ये शूट तो बनता ही था। तो ये वाला जो हॉल है ना, बड़ा मिक्स रहने वाला है। इसमें कोई मैंने एक चीज के ऊपर पूरा हॉल नहीं किया, तो ये सारी आइटम्स जो आपको दिख रही हैं, इनको पहले भाई बाहर निकाल लेते हैं। फ्रॉम वेयर सिटी जैकेट्स टू ओवरसाइज टी शर्ट्स, आज सब है अपने पास। तो फर्स्ट चीज की बात करें तो मेरे पास आती है इस तरीके की ओवरसाइज टी शर्ट, एंड इसकी क्वालिटी भाई काफी ज्यादा अमेजिंग है। छू के मतलब आपको पता लग जाएगा कि कुछ तो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है स्निच। यहाँ पर आपको स्निच की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, दिस इज साइज मीडियम जो मुझे आता है। ऐसा फैब्रिक आई डोंट थिंक मैंने भाई कहीं भी देखा है। दिस इज नॉट कॉटन, बट या जो भी फैब्रिक है काफी ज्यादा स्मूथ एंड अच्छा है। बात करें ग्राफिक्स की, तो लेफ्ट साइड पे आपको ऐसे हार्ट पे ग्राफिक देखने को मिलता है, एंड वही सेम चीज ऑरेंज भाई साहब पीछे आपको ऐसा संतरा देखने को मिलेगा मस्त सा। लेकिन बैक प्रिंट्स वाली जो ओवरसाइज टी शर्ट्स है ना, वो समर से लेकर अभी तक और नेक्स्ट ईयर तक चलती रहेंगी। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट चाहते हो, यू कैन गो फॉर दिस। कलर भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे, क्योंकि ऐसा कलर जो ऑफ वाइट में होता है ना, थोड़ा सा क्रीमिश कलर, ये काफी अमेजिंग लगता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पेयर अप करते हो तो। कॉलेज स्टूडेंट्स, ये चीज तुम्हारे लिए है, क्योंकि भाई ऐसी क्वालिटी और ऐसी चीज अगर तुम्हारे पास आ जाती है, इसको तुम सालों साल इजीली पहन सकते हो। हाँ ऑब्वियसली अगर आप एक ग्राफिक टी शर्ट या फिर कोई भी ग्राफिक चीज की तरफ जाते हो, तो उसकी जो लॉन्जिटिविटी होती है ना स्टाइलिंग की, वो कम हो जाती है। ऐसे मटेरियल वाइज तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको और बहुत सारे साइज चाहिए, तब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर आप प्लेन लेना चाहते हो, उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ओवरऑल अगर ऐसी क्वालिटी की टी शर्ट आपको इंडिया में मिल रही है, सो बाहर के ब्रांड्स को क्यों लेना, जस्ट ट्राई दिस एंड आई थिंक यू आर गुड टू गो। अभी भी विंटर्स गई नहीं, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो मैंने हुडी पहनी हुई है। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो थोड़ी से विंटर कलेक्शन के ऊपर आ जाता है। हमारे पास एक मॉक नेक स्वेटर जो कि इस तरीके का दिखता है, एंड ब्लैक भाई ऑलवेज क्लासी कलर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जितने भी आप चीजें देख रहे हो उनके साइजेस सब में अवेलेबल नहीं होंगे, तो अगर आपको अभी आपका साइज मिलता है फटाफट ग्रैब कर लेना, क्योंकि एक फास्ट फैशन स्टोर है। एक चीज उन्होंने निकाल दी, दोबारा वो सेम चीज आपको देखने को नहीं मिलने वाली जैसा कि मुझे इसमें देखने को मिला था। इसमें भी बहुत सारे साइज अवेलेबल नहीं थे, बट मेरा साइज था तो मैंने अपने लिए मंगवा लिया। आपको मैं लिंक दे दूंगा, यू आर फ्री टू चेक इट आउट। रिब्ड पैटर्न का ऐसा दिखने वाला मॉक नेक स्वेटर काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। इसकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी अच्छी है। अंदर से ये बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, लेकिन अगर आप एक लाइट विंटर्स की तरफ देखा जाए या जो अब जाने वाली सर्दी है देखा जाए, तब आप इसको इजीली पेयर अप कर सकते हो। मेरा तो ये भी बोलना है कि अगर आपके पास कोई लॉन्ग कोट है या फिर पी कोट है, आप उसको इसके साथ आराम से स्टाइल कर सकते हो। अभी मुझे ना एक शादी में जाना है हिमाचल, तो वहां पर मैं इसको कैरी करने वाला हूं, एंड बहुत अच्छे तरीके से पहनूंगा। पीछे का जो पैटर्न है वो आपको प्लेन देखने को मिलता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं है, बट या ओवरऑल अगर क्लासी स्टाइल की तरफ आप जाना चाहते हो, दिस इज रियली गुड एंड यू शुड चेक इट आउट। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स हैं विच यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट चीज अब चलते हैं थोड़ा सा बॉटम में, आपको दिखाना चाहता हूँ कार्गो लवर्स के लिए एक बढ़िया चीज, विच इज ऑब्वियसली अ कार्गो। बट या अगर आपको एक ऐसी कार्गो चाहिए जो कि भाई स्टाइलिश दिखे एंड साथ ही साथ अफोर्डेबल भी हो, ये वाली आ जाती है उसकी तरफ। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको पॉकेट्स देखने को मिलती है, एंड ये ना ऐसी वैसी क्वालिटी वाली नहीं है। कुछ मैंने ऐसी भी देखी जो 400-500 की आती तो है, लेकिन उनकी क्वालिटी सुपर बैड होती है। लेकिन अगर बात करें इसकी, ये कंफर्टेबल के साथ साथ आपको जो स्टाइल दे रही है, वो आई डोंट थिंक कि कोई और प्रोवाइड कर रहा है इस बजट में। एंड यहाँ पर आपको एक ऐसी बड़ी सी पॉकेट देखने को मिलती है भाई जिप वाली। नीचे से अगर बात करें, सिंपल प्लेन पैटर्न है, यहाँ पे आपको वो चूड़ीदार पैटर्न देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये काफी अच्छी बनती है, एंड ये काफी भारी भी है, विच मीन्स कि इसमें भाई कुछ चीजें डाली है, इसकी वजह से ये चीज अच्छी हुई है। पीछे भी आपको दो पॉकेट्स ऐसे देखने को मिलती है। कलर इसका काफी ज्यादा अमेजिंग मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये पेयर होने के लिए बहुत बढ़िया कलर है। अगर आपको कोई और पसंद आता है, तो ऑब्वियसली और भी कलर्स अवेलेबल है। मुझे इनका जो लोगो है काफी ज्यादा पसंद आया भाई, सुपर ट्राई की याद दिला रहा है कहीं ना कहीं, बट एक अफोर्डेबल प्राइस में, सो आई डोंट थिंक कि आपको सोचना चाहिए इसके लिए दोबारा। तो अगर तुम जेंजी हो एंड इफ यू वांट टू चेक आउट सम कार्गोस, लिंक खुला है, जाके चेक कर लो। आ जाते हैं अब एक क्रीम कलर की जैकेट या ओवरशर्ट, आप उसको कुछ भी बुला सकते हो। मेरे हिसाब से एक आपके पास क्रीम कलर की ना जरूर होनी चाहिए, इस तरीके की दिखती है। मटेरियल थोड़ा सा इसका अलग है, थोड़ा सा मतलब आपको यूनिक देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉटन ब्लेंड या डेनिम मटेरियल है, लेकिन भाई ये जो कलर है ना, जेंजी का फेवरेट है, एंड सबसे अच्छी बात है कि इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत अलग अलग तरीकों से पेयर अप कर
सकते हो। इसमें यहाँ पर आपको ऐसे जिप देखने को मिलती है एंड अंदर का जो मटेरियल बात करूँ तो काफी लाइट वेट मटेरियल है। अगर आप जैसे समर्स में इसको पहनना चाहते हो तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, यू नो, अगर शूट्स वगैरह आपके होते रहते हैं रेगुलर, या फिर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ज्यादा वैसे ठंड में नहीं जाना है, या फिर मतलब बिल्कुल ऐसे दिल्ली की जो बिल्कुल आने वाली गर्मी होती है ना, तब आप इसको यूजुअली कैरी कर सकते हो। कलर से मुझे कोई भी शिकायत नहीं, क्योंकि ऐसा कलर मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा था एंड भाई ट्रस्ट मी H&M के अलावा कोई भी नहीं देता। एंड H&M का प्राइस बहुत ज्यादा हाई था जब उसने नई नई लॉन्च करी थी। इसमें आपको एक और अच्छी चीज देखने को मिलती है, यहाँ पर पॉकेट है, फिर यहाँ पर पॉकेट है, फिर यहाँ पर पॉकेट है और फिर ऊपर पॉकेट है। मीन्स चार पॉकेट्स आपको देखने को मिलती है। सो एक यूटिलिटी जैकेट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो इजिली। दिस इज क्वाइट नाइस एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे अगर आप चाहते हो इसको देखना कि कैसे स्टाइल करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, हम बहुत सारी स्टाइलिंग वीडियोस तुम्हारा वेट कर रही है भाई। नेक्स्ट आ जाती है एक और ओवर साइज टी शर्ट मेरे पास। इसका जो कलर है ना भाई बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ऐसी कलर की मैंने देखी भी नहीं है, पहनी भी नहीं है, मटेरियल भी इसका बहुत सॉलिड है बॉस। दिस इज द टी शर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, सुपर कूल कलर। इसको थोड़ा सा मिंट ग्रीन का भी कह सकते हैं या फिर आप कोई सा ग्रीन कहना चाहो वो बोल सकते हो, बट ये कलर भाई मुझे नहीं देखने को मिलता खास करके इस मटेरियल में। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। इसका आ जाता है बैक प्रिंट जो कि डायनासोर, इतना ज्यादा कूल लगता है भाई। एक टाइम था ऐसा जब मैं ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं पहनता था, बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता था ना, बताता था, लेकिन अब ऐसे कूल ग्राफिक्स आएंगे मार्केट में और भाई ऐसे कलर्स आएंगे तो भाई कौन ही इनको छोड़ेगा। ओवरसाइज मटेरियल है एंड टी शर्ट की क्वालिटी सुपर अमेजिंग है, इतनी ज्यादा स्ट्रेच होने वाली। खास करके अगर आप ऐसी टी शर्ट देख रहे हो ना जो कि हर बंदा ना पहनकर आप अलग से पहन रहे हो, क्योंकि देखो ऐसे कुछ कुछ ब्रांड्स है जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं, बेचारों को करने दो काम, लेकिन वो हर बंदा पहन रहा है, हर दूसरे बंदे के ऊपर आपको वो टी शर्ट देखने को मिलेगी मिलेगी। किसके बारे में बात कर रहा हूँ कॉमेंट में मुझे बता देना। लेकिन ये भाई अलग से आ जाते हैं एंड उन लोगों के लिए थोड़ा सा अलग सोचते हैं, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, बट क्वालिटी जो मिल रही है ना उसमें आप बिल्कुल सेटिस्फाइड रहोगे, ये आपको पक्की बात है। प्रिंट की क्वालिटी भी इसमें नॉर्मल वाली यूज नहीं करी, काफी अच्छी करी है, जो कि रबराइज वाली होती है ना बहुत जल्दी उतर जाती है, इसमें वो सीन आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो या चेक द डिस्क्रिप्शन आउट एंड दिस कैन बी योर्स। बॉटम्स की एक और बार बात करें तो मेरे पास आ जाती है एक जीन्स, लेकिन ये नॉर्मल जीन्स नहीं है, पहले तो मैं बता दूं दिस इज सलमान भाई फेवरेट बूट कट जीन्स। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? ये आपको ऐसी देखने को मिलती है बूट कट। मैं मानता हूँ काफी लोग नहीं पहनना पसंद करते हैं, लेकिन भाई जिसने पहन ली, जिसकी हाइट लंबी है और थोड़े से ऐसे टांगे लंबी है, उनके ऊपर ये काफी ज्यादा अमेजिंग लगती है। कलर इसका काफी अमेजिंग है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जो आपको डिटेलिंग वाइट की देखने को मिलती है ना वो बहुत इसको अमेजिंग बना देती है। बूट कट पैटर्न आपको नीचे से ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ से जाते हुए नीचे से चौड़ी हो जाती है, सो दैट अगर आप कोई भी बूट पहन रहे हो ना जो फंक्शनल हो, आप इसको इजिली पेयर अप कर सकते हो एंड स्टाइल कर सकते हो। कलर मुझे इसलिए सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि ये जो कलर है ना आपको यूजुअली देखने को मिल जाता है, लेकिन ऐसी डेनिम्स पे ये बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है। लाइट वॉश भी आती है बूट कट, बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी अगर आपको मैनली लुक चाहिए ना तो आप डार्कर कलर्स की तरफ जाना, जैसे कि ये वाला है। क्वालिटी ऑफ द डेनिम इज क्वाइट फाइन भाई, लिवाइस के ऐसे मैं डेनिम्स की क्वालिटी देखता हूँ और आपको ये वाले बजट पे देखने को मिल रही है जो कि 4-5 हज़ार की जीन्स आती है, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। मटेरियल में हल्का हल्का स्ट्रेच है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वालिटी देखने को मिल रही है बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया एंड आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है भाई। बहुत अलग अलग चीजें दिखा दी इस हॉल में, लेकिन आपको कोई भी शर्ट नहीं दिखाई। लेट मी प्रेजेंट टू यू द मोस्ट फेमस, आपने इंस्टाग्राम में ना कहीं देखी होगी, मेरे में तो आती रहती है स्टोरी हाइलाइट्स में, ये वाली टाइगर प्रिंट की शर्ट जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग लगती है। इसका जो मटेरियल है ना आपको दूर से देख के लग रहा होगा भाई ये तो पॉलिएस्टर है, बट इसमें कॉटन मिक्सड है, तो आपको ऐसा बिल्कुल स्मूथ कंफर्टेबल फैब्रिक देखने को मिलने वाला है भाई, जो कहीं और नहीं मिलेगा। पॉलिएस्टर में आपको यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है जो कि ना दूर से पता चल जाता है चमकीला सा है, भड़कीला सा है, और आपकी जो स्किन है उसको भी अलग सा यू नो फील करवाता है, अच्छा फील नहीं करवाता। लेकिन इसको आप जब भी पहनने वाले हो और इस तरीके का पैटर्न अगर पार्टीज में करने वाले हो भाई यू नो कैरी, आपके ऊपर ही बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेगी। मेरे हिसाब से यू कैन गो फॉर दिस एंड ब्लैक पैंट्स अपनी किसी भी टाइप की एंड पेटेंट लेदर शूज के साथ, ये आपकी लुक को कंप्लीट कर देगा। कोई भी नॉर्मल पार्टी हो रही है ना समर्स की, आप उसमें हीरो देखने वाले हो मेरे भाई। बटन तक में स्निच की ब्रांडिंग हो रखी है विच इज क्वाइट अमेजिंग एंड कॉलर्स भी काफी स्मूथ देखने को मिलते हैं। जो पैटर्न है ओवरऑल काफी अमेजिंग लगेगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से कैरी करते हो। इसको आप लेयर करके भी पहन सकते हो, थोड़ा नॉट सो फॉर्मल साइड में एंड कैजुअली भी पेयर कर सकते हो, व्हाई नॉट। सो आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड द प्राइसिंग। आ जाती है लास्ट चीज, और भाई इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहने वाली जैकेट्स वो है वैरसिटी जैकेट, लेकिन इसका जो कलर है ना आपको प्यार होने ही वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैरसिटी जैकेट राइट हेयर। इसके ऊपर आपको यहाँ पर फॉन्ट देखने को मिलता है जो कि भाई नॉर्मल सस्ते वाला फॉन्ट नहीं है, अच्छे तरीके से करा गया है एंड साइड में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। वैरसिटी की जो फील्स है ना प्रॉपर ही आपको जैकेट देगी। अंदर से अगर बात करूं मटेरियल की तो यहाँ पर आपको फ्लीस देखने को मिलेगा, ओ माय गॉड, और इस कलर में
मुझे नहीं लगता था कि मिलेगा भाई कहीं कभी। हाँ, H&M की मैंने एक चीज दिखाई है जिसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन वो बहुत ज्यादा मोटी भी थी और इससे थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। अगर आपका बजट कम है और आपको पर्पल टाइप की जैकेट चाहिए और इस तरीके की कूल लुकिंग जैकेट चाहिए, यू कैन गो फॉर दिस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसका MRP 2499 का, तो आपको सेल्स पर क्या देखने को मिलेगा भाई, क्या ही कहने। 50% तक सेल्स अगर लग जाए तो आपको तो मजे आ जाएंगे, क्योंकि ये वेलसिटी जैकेट आपको इतने सस्ते में मिल जाएगी। ओवरऑल लुक एंड क्वालिटी इज क्वाइट नाइस एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड विद द कंफर्ट ऑफ दिस वन। तो ये था स्निच का हॉल। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस वाले ब्रांड का पर्टिकुलरली देखना है, और कौन से ब्रांड्स देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। सब्सक्राइब टू द चैनल, फाइनली वी हैव क्रॉस्ड 100K एंड आई एम रियली हैप्पी। जल्दी से जल्दी सिल्वर प्ले बटन भी आने वाला है, तो अब नेक्स्ट जर्नी पे चलते हैं जो कि 1 मिलियन की। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड आई डोंट थिंक कि अब ज्यादा दूर है वो जर्नी। बाकी अपनी मेहनत से लगे रहेंगे, करते रहेंगे, नया नया कंटेंट आप लोगों के लाते रहेंगे एंड थोड़ा मिक्स ऑफ कंटेंट आगे आने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।